good afternoon, everyone. Hanji. So next, delivery. Goods key. तुम आगे जाओ उसके पहले. हाँ जी. So, अब क्या है इसमें basically? अच्छा, दो चीजें होती हैं goods के केस में. क्या? एक होता है ownership, दूसरा है possession. So first ownership, second possession. है ना? अच्छा, जब भी आपने ownership transfer किए, it is implied that possession साथ में ही जाता है. Whenever you sold the goods, it is implied that आप possession transfer करते करते. अच्छा, ऐसा specifically बोलने की ज़रूरत है क्या कि ownership तेरी, लेकिन possession सिर्फ तभी transfer होगा जब expressly stated है agreement में. ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं. Whenever there is a sale, a transaction which is complete, मतलब जब आपने ownership transfer की, it is implied. हम लोग presume कर लेते हैं कि आपने क्या किया, goods का possession यहाँ पर साथ में transfer करना ही करना है, है ना? चलो. अब what do you mean by delivery? डिलीवरी मतलब क्या होता है? इट मींस ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. हम लोग प्योरली पोजेशन के बारे में बात करें, आप लोग ओनरशिप के बारे में बात ही नहीं कर रहे, है ना? अच्छा, बेलमेंट क्या होता है? टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स. इन दैट केस ऑल्सो इज दैट डिलीवरी? यस, उसमें भी डिलीवरी है. हाँ, सो यहां पर डिलीवरी, हम लोग ओनरशिप के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम लोग प्योरली किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी टॉकिंग अबाउट द पोजेशन ऑफ गुड्स. सो वट इज डिलीवरी? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नथिंग बट डिलीवरी. समझ में आ रहा है? मतलब गुड्स आपके पास थे, आपने उठाकर किसी और को दे दिया, उसको हम लोग बेसिकली डिलीवरी बोलते हैं. अलग अलग तरीके की डिलीवरी. फर्स्ट एक्चुअल डिलीवरी. अब ये नाम से ही क्लियर है. व्हाट डू मीन बाय एक्चुअल डिलीवरी? हाँ, एक्चुअल डिलीवरी मतलब, हाँ बस जो भी गुड्स आपने खरीदे, आपने पानी की बॉटल खरीदी, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको पानी की बॉटल दे दी, है ना? ये एक्चुअल डिलीवरी है. फर्स्ट मतलब जो रियल गुड्स है, आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ आपने क्या किया, गुड्स दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिए. सो फर्स्ट एक्चुअल डिलीवरी. सेकंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. व्हाट डू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? अच्छा, जैसे आप ये ऑनलाइन शॉपिंग के केस में आप ये यूजली देखते हैं. जैसे आपने सपोज कोई प्रोडक्ट्स खरीदे, कहाँ से खरीदे? लेट्स से फॉर एग्जांपल मिंत्रा से खरीदे आपने, है ना? सो और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि मिंत्रा इज द अल्टीमेट सेलर. मिंत्रा की वेबसाइट से कोई और थर्ड पार्टी सेल नहीं कर रही है. जो सेलर है वो किसके वेयरहाउस में है, मतलब गुड्स जो है किसके वेयरहाउस में? मिंत्रा के, है ना? उन्हीं के पास वो गुड्स है. सो अब क्या होता है, आपने गुड्स खरीदे, पैक होते हैं, पैक होकर बाद वो गुड्स शिप हो जाते हैं, शिप होने के बाद दे आर बेसिकली रेडी फॉर डिलीवरी, और लास्ट में आपको मैसेज आता है, आप चेक करते हो तो, कि भाई द गुड्स आर डिलीवर्ड, राइट? सो मिंत्रा और आप कौन है? बायर. आपने गुड्स ऑनलाइन खरीदे, और क्या होता है, जैसे ही गुड्स आप खरीदते हैं उसके बाद दे आर गिवन टू द लॉजिस्टिक्स कंपनी, है ना? जो भी ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है उसके पास गुड्स आ जाते हैं और फिर वो आपको डिलीवर करता है. अच्छा, अब जैसे ही गुड्स इनके पोजेशन में आते हैं ना, अगेन देयर इज अ मैसेज. मैसेज आपको जितना भी ट्रांजैक्शन चल रहा है सब मिंत्रा के थ्रू ही आता है, उन्हीं के ऐप के थ्रू वो सब चीज़ें अपडेट होती रहती है. लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये मिंत्रा को कंफर्मेशन देते हैं दैट आपके गोडाउन से हम लोगों ने वी पिक्ड अप गुड्स, राइट? फिर लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी क्या करती है, एक बार शिपमेंट हो जाए वापस से इस कंपनी को इन्फॉर्म करती है, और मिंत्रा आपको इन्फॉर्म करता है कि गुड्स आपके डिस्पैच हो गए. अच्छा, फिर जैसे ही ये लोग गुड्स आपको डिलीवर करते हैं, वापस से मिंत्रा की तरफ से एक मैसेज आपको आ जाता है, यू गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन सो इन सो डेट एट सो इन सो टाइम, है ना? इस तरीके से आपका वो चलता रहता है करस्पॉन्डेंस. सो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि आपके बिहाफ पर एज अ बायर ये लॉजिस्टिक्स कंपनी, इट इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन योर बिहाफ एंड दे हैव पिक्ड अप गुड्स ऑन योर बिहाफ. किससे? मिंत्रा से. मिंत्रा कौन है? सेलर, है ना? तो सेलर से गुड्स पिकअप किया लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी ने, और ये गुड्स किसको डिलीवर करने जा रही है? बायर को डिलीवर करने जा रही है, राइट? सो दे गिव यू कंफर्मेशन दैट वी पिक्ड अप गुड्स ऑन योर बिहाफ एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू यू ऑन सो एंड सो डेट. वो डेट आपको बता देते हैं, एस्टिमेटेड डेट क्या है, राइट? ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है. एक्चुअली में गुड्स आपके हाथ में नहीं आए, आपके बिहाफ पर गुड्स किसी और ने कलेक्ट किए और आपको एक कंफर्मेशन दे दिया कि तेरे गुड्स मेरे पास हैं, वो मैं तेरे को आगे डिलीवर कर दूंगा. समझ में आ रहा है? तो अब जैसे कहीं पर भी आप इसको, कहीं पर भी आप रेलेवेंट आप यू केस समझ लीजिए. से आपके पेरेंट्स ने बोला, आपकी मॉम ने बोला कि सब्जी ले, है ना? आपको सब्जी लाने के लिए बोला. अच्छा, आप गए मार्केट से, आपने सब्जी खरीदी, किसके बिहाफ पे खरीद रहे हो? मॉम के बिहाफ पे, है ना? आपने सब्जी खरीदी,
अच्छा, फिर बीच में आपके फ्रेंड का फोन आ जाता है, आप कहीं और ही चले देते हो और मम्मी को फोन करके बोल देते हो कि सब्जी मैंने ले ली है, मैं अभी घर आता हूँ तो घर पे देते हुए चला जाऊंगा, राइट? सो इन दैट केस यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ योर मॉम, राइट? सो गुड्स आपने ले लिए, अभी जो एक्चुअल बायर है, बायर कौन है? मॉम. उन्होंने आपको पैसे दिए गुड्स खरीद, मतलब सब्जी खरीदने के लिए, अभी तक उनके हाथ में आई नहीं है, लेकिन उनके बिहाफ पर वो गुड्स आपने कलेक्ट कर लिया, इस कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी मतलब गुड्स किसके पास आ गए? बायर के पास. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बायर के पास नहीं आए, एजेंट के पास, बट बायर हैज अ कंफर्मेशन दैट उसके बिहाफ पे गुड्स किसी और ने कलेक्ट कर लिए. समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव. और थर्ड, सिंबॉलिक डिलीवरी. नाउ व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? अब जैसे फॉर बैठा रहे हो, इसके बाद ना मुर्गा बना के खिलाऊंगा तेरे को, ऐसे हाथ नीचे डाल के यहाँ से खाएगा, इसके बाद अगर दांत दिखे ना तेरे, बहुत भयंकर गुस्सा आता है मेरे को, जो स्मार्टनेस दिखाता है ज़्यादा. हाँ, आगे देखना. थर्ड, सिंबॉलिक डिलीवरी. अब सिंबॉलिक क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बल्क है गुड्स का, है ना, जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये अपना ब्रेड ली, क्या खा रहे तू? पीनट्स ना. हाँ, चलो पी करने जैसी हालत भी नहीं छोड़ूंगा तेरे, है इसके बाद. सो उसने भी ये तेरे पीनट्स अलग वाले. नो ए. तब इसने क्या, हाँ, इसको बहुत पीनट्स खाने की इच्छा है, तो इसने कमरा भर के पीनट्स खरीदे, ये जो पूरा हॉल है आपका 2,500 स्क्वायर फीट का, कमरा भर के इसने पीनट्स खरीदे. सुबह उठता है पीनट्स खाता है, दिन में पीनट्स खाता है, शाम को पीनट्स खाता है, रात को पीनट्स खाता है, खा खा के नट्स हो गया बिल्कुल. हाँ, दिन भर पीनट्स 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 पीनट्स. तो अब आप समझना, अगर इसने इतने सारे पीनट्स खरीदे तो ये एक साथ ही उठा के तो नहीं ले जा सकता, है ना, रूम में स्टोर है, पूरा रूम भर के पीनट्स ही पीनट्स है. तो जैसे सेलर था वो भी समझा, बोले बोले इतना दीवाना आदमी पहली बार देखा है जो इतने सारे पीनट्स खरीद रहा है. तो उसने क्या किया, ये उसको पीनट्स डिलीवर नहीं किया, ये पीनट्स यहाँ पे स्टोर्ड है, तो इस स्टोर की चाबी उसको दे दी. समझ में आ रहा है? स्टोर की चाबी. वो इतने सारे पीनट्स अकेले तो नहीं ले जाएगा, मुंह में भर लिए, जेब में भर लिए, इधर उधर उधर सब जगह, जहां जहां डाल सकता था सब जगह डाल लिया इसने पीनट्स. जेब में नहीं रखेगा क्या, कैसे लेके जाएगा, कभी भी हंसते तुम लोग. तो सब जगह जैसे जैसे कैरी कर सकता था लेके जा रहा है. अच्छा, तो भी पूरा रूम भर के पीनट्स ले जा सकता है क्या? नहीं. तो उसने क्या किया, उसने यहाँ की चाबी दे दी कि भाई जब पूरे खत्म हो जाए तो वापस से मेरे को चाबी ला के दे देना, डिलीवरी, राइट? ये थर्ड आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी. आपने क्या किया, जहां पर गुड्स स्टोर्ड थे उस स्टोरेज का एक्सेस आपने बायर को दे दिया. समझ में आ रहा है? एक्चुअल डिलीवरी, गुड्स हाथ में दे दिए. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, किसी और ने आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर लिया. सिंबॉलिक, आपने पूरी प्रॉपर्टी का एक्सेस बेसिकली उसको दे दिया जहां पर वो गुड्स स्टोर थे, इस सिंबॉलिक डिलीवरी. कोई कंफ्यूजन एनीवन? तीन तरीके की डिलीवरी. अच्छा, आगे देखना, प्लीज एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, है ना, बाद में सब एक जैसा लगेगा आपको. भाई साहब, फर्स्ट है आपका, पहले आए हो इसके? कब जी? 15-20 दिन हो गए ना, मेरे को जानते हैं, मतलब मेरे लेक्चर्स किए हैं इसके पहले आपने. वेरी नाइस. कब है अटेम्प्ट अपना? सो नाइस ऑफ यू टू से दैट. अटेम्प्ट कब है आपका? दिसंबर में. ओके, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा. वाह राजेश, मेरे भाई, कहाँ से भाई? अमरावती से. शर्मा जी बड़ा, शर्मा जी से अलग तरीके का प्यार है. चलो, सो आगे देखना, नेक्स्ट रूल्स एज टू डिलीवरी. अच्छा, अब जब भी गुड्स की डिलीवरी की अपन लोग बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, चेक कर देना. फर्स्ट, अच्छा, डिलीवरी मतलब क्या, आपने गुड्स का पोजेशन दे दिया किसे? कौन देता है, किसे दे रहा है? पुटिंग द बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स फर्स्ट. अच्छा, कब डिलीवर करोगे गुड्स? हाँ, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट में बताया उसके हिसाब से हम लोग गुड्स डिलीवर करते हैं. अच्छा, इफ नथिंग इज स्टेटेड कब गुड्स डिलीवर करना है, तो कब? एट द टाइम ऑफ सेल. आपने कोई फ्यूचर डेट बताई है तो उस केस में फ्यूचर डेट. सेकेंड, आगे देखिए थर्ड. हाँ, द सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स वेन द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी. ये हमेशा ध्यान रखना, अपने दिमाग में ना बहुत बार कन्फ्यूजन होता है. डिलीवरी इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर, सॉरी ऑफ द सेलर, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, है ना. सो वो सेलर इज नॉट ड्यूटी बाउंड कि वो गुड्स आपको डिलीवर करे,
गुड्स क्लेम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? बायर के ऊपर है। जब तक बायर गुड्स की डिलीवरी क्लेम नहीं करेगा, सेलर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि वो गुड्स डिलीवर करे। उसका काम बेचने का था, उसने गुड्स बेच दिया। अब अगर आपको गुड्स चाहिए तो आपको क्लेम करना पड़ेंगे किससे? सेलर से। कौन करेगा? बायर, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी क्लेम करने की किसके ऊपर होती है? बायर के ऊपर, है ना। सो उसमें सेलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि आपने गुड्स खरीदे, सेलर ने डिलीवर नहीं किया, इज द सेलर अंडर डिफॉल्ट? इज ही अंडर डिफॉल्ट? नहीं। कब तक? जब तक बायर ने क्लेम नहीं किया, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा, बायर ने क्लेम किया फिर भी सेलर ने डिलीवर नहीं किया, इज ही अंडर डिफॉल्ट? क्लियर है सबको? आगे चेक कीजिए नेक्स्ट। हाँ, वेदर गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, है ना। मतलब किसी और के पास ही अगर गुड्स रखे हुए, देयर विल बी डिलीवरी ओनली व्हेन दैट पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। मतलब किसी और के पास अगर गुड्स हैं और वही गुड्स आपने खरीदे, तो वो थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन दे देगी कि हाँ भाई मेरे पास रखे हुए, तो मेरे से लेके जा, है ना। सो थर्ड पार्टी का कन्फर्मेशन उस केस में इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड मटीरियल। हाँ यार, आगे देखिए, ये ठीक है, अपन लोगों ने पहले पढ़ा। इट इज नो ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेंड और कैरी द गुड्स टू द बायर अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट सो प्रोवाइड्स, है ना। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने की किसके ऊपर है? बायर के ऊपर। ना बट द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, है ना। जब तक वो उस कंडीशन में नहीं आ जाए कि आप उसे डिलीवर कर सकते हैं, तब तक आप गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे। हाँ, आगे देखिए नेक्स्ट। प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन बताता है? कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कॉस्ट ऑफ डिलीवरी किसकी? ओनरशिप तो बायर की होती है इस केस में, अगर गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं तो। कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट सर, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है हु विल बेयर द कॉस्ट। बायर, सेलर, बायर वाले कितने लोग हैं? बायर विल बेयर द कॉस्ट, वेरी नाइस। सेलर, ओके, डैम इट। एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई बायर? अच्छा, ओनरशिप बायर के पास है, इसलिए गुड्स डिलीवरी की कॉस्ट भी बायर की है, बहुत बढ़िया। जो बोलते हैं सेलर, हाँ जी, सेलर भी तो ही है, मतलब सेलर का भी तो ही बोल रहा। हाँ जी, नहीं नहीं सर, डिलीवरी सेलर ही करेगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, डिलीवरी का जो खर्चा आता है वो सेलर ही बेयर करेगा क्या? बायर विल बेयर द कॉस्ट, सेलर विल बेयर, तो बायर विल बेयर द कॉस्ट। फेयर इनफ। और कोई आर्ग्यूमेंट, कोई जजमेंट, कोई थॉट? बायर, एवरीवन, बायर, ओके। इट इज ऑलवेज अपॉन द बायर। समझना, आप कॉस्ट को ना दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना, कैसे मैं बताता हूं आपको। अब जैसे ब्रैडली, सो ब्रैडली के डबल ई वाले पीनट्स, और समझना, अब ये पीनट्स कहां पर स्टोर्ड है? गोडाउन बोलू, गोडाउन में, रूम में स्टोर्ड। तो गुड्स अभी कहाँ पे हाल फिलहाल में? गोडाउन में, है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब जो भी बायर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो किया मान लो शॉप पर, जो पीनट्स का होलसेलर होगा वो शॉप पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, और ब्रैडली कहाँ पर लेके जाएगा ये पीनट्स? अपने घर पे। तो ये इसका घर, तीन अलग अलग चीज़ें, ठीक है, और तीनों अलग अलग जगह। गोडाउन कहाँ है? सिटी के बाहर वागोली में, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर हुआ? शॉप पर। लेट्स से अज्यूम करते हैं ये कहाँ पर है? तिलक रोड पे है। रहता कहाँ भाई तू? अंबेगाँव। बड़ा दूर है यार, अंबेगाँव में, है ना। अच्छा, अब इनका क्या कहना है कि टिल द टाइम द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, ओके, टिल द टाइम द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट द कॉस्ट इज बॉर्न बाय द सेलर। वंस द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, आफ्टर दैट
द कॉस्ट इज बॉर्न बाय द बायर. ओके, विच मीन्स गोडाउन से शॉप तक की कॉस्ट सेलर की, किसकी है? सेलर की. एक बार गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए तो शॉप से घर तक की कॉस्ट बायर की. ओके, अगर हम लोग डिलीवरी की बात करते हैं तो दिस इज डिलीवरी, दिस इज नॉट कंसिडर्ड इज डिलीवरी. क्यों? गोडाउन किसका है? सेलर का. तो ये उसका आपस का ही ट्रांजैक्शन है, ये डिलीवरी नहीं. डिलीवरी कब है? व्हेन इट यू पुट दैट इफेक्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू द बायर बाय द सेलर. तो वो सेलर टू बायर कहां पर हो रहा है? शॉप पर हो रहा है, गोडाउन पर हो रहा है? शॉप पर हो रहा है, राइट? तो ये वाली हम लोग पार्ट जो है ना, ये हम लोग डिलीवरी मानते हैं कि सेलर से किसके पास जा रहे हैं? गुड्स बायर. अच्छा, सेलर से ही सेलर के पास गए, ये डिलीवरी है क्या? नहीं, ये डिलीवरी. डिलीवरी कब मानी जाती है? सेलर टू बायर. समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन. अच्छा, तो टिल द टाइम द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, उसके पहले जितने भी खर्चे आते हैं, उसको मेंटेन करना है, उसको प्रिजर्व करना है, जो भी उसकी कॉस्ट होती है, राइट, सेलर की. जब आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो, उसके बाद जितनी भी कॉस्ट होती है, वो सब किसकी होती है? बायर की. अब दो तीन कारण समझना. पहला, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ओनरशिप किसकी है? कॉन्ट्रैक्ट सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो गया. ये शॉप पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई तेरे को मेरे को गुड्स डिलीवर करना, शाम को भेज देना मेरे घर पे. इज द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट? यस. तो उस पॉइंट के बाद ओनरशिप किसकी है? बायर की. तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बायर की है ना. अच्छा, बहुत बार आप जैसे ये जो लोग बोलते हैं ना सेलर, अपने दिमाग में क्या कंफ्यूजन होता है? आप कहीं से भी कोई गुड्स खरीदना, आप टीवी खरीदो, कोई फ्रिज खरीदो, आप टीवी खुद तो उठा के नहीं ले जा सकते, तो उसको आपके घर तक लाने का, इंस्टॉल करने का, पूरा वो उसका कैसे चलती है, कैसे फंक्शन करती है, वो सब उसकी ट्रेनिंग, वो बेसिक चीज़ें बताता है, उसमें जो फिक्स्चर लगता है, जो आपको सेटिंग करने के लिए जो भी सामान वामान लगता है, वो सब कौन बेयर करता है? सेलर बेयर करता है, राइट. वो सेलर बेयर कर रहा है जस्ट टू मेंटेन हिज कस्टमर रिलेशनशिप. ही इज नॉट बेयरिंग दैट पर्टिकुलर कॉस्ट बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ. लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि बायर की कॉस्ट है. क्यों? क्योंकि ओनरशिप उस पॉइंट पे किसकी है? बायर की. तो कॉस्ट भी किसकी होती है? बायर की. वो सिर्फ एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ही गिव्स यू एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, जैसे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं ना, एक बार चेक करना, आपने मान लीजिए 200-300 रुपये का मर्चेंडाइज खरीदा, 300 रुपये के गुड्स खरीदे, वो डिलीवरी चार्जेस लगा देता है. आपने 4-5 हज़ार रुपये के सामान खरीदे तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है डिलीवरी फ्री, राइट. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है. अब जहाँ पर आपके बिलिंग इतना कम है कि उनको डिलीवरी एक्सपेंसिव पड़ेगी उससे ज़्यादा, तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेता है, ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेता है, और जहाँ पे आपकी बल्क परचेज है तो उसके लिए वो कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, तो वो आपको फ्री दे देता है. तो इट इज़ एन एड ऑन विच इज गिवन बाय द सेलर. सो अगर सेलर एक्सप्रेसली बोले, ध्यान रखना, अगर सेलर इस केस में एक्सप्रेसली बोले कि मैं कॉस्ट बेयर करूंगा, तो फिर कॉस्ट किसकी? सेलर की. बट इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टीज के बीच में नहीं है, तो कॉस्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट बायर की होगी. कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा. Am I clear on this? Everyone? हाँ जी. अच्छा, अब सुनो एक मिनट. हाँ, इसका घर अंबेगांव में, ठीक है. जब ये पीनट्स निकले तो ये बोला अंबेगांव में मेरे सब घर पे सब लोग रहते हैं, सबको पता चल जाएगा कि इतने दाने खाता है. तो इसने बोला कि यार ये दाने ना अंबेगांव में मत डिलीवर कर, तो एक काम कर, नवीपेट में डिलीवर कर दे, है ना. इसने लोकेशन चेंज कर दिया, है ना. अभी जो लोकेशन चेंज करने की कॉस्ट है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ गए, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जितनी भी आ रही है, ये भी किसकी होगी? बायर की. ये हमेशा ध्यान रखना. रिस्क, इसके बीच में चोरी हो गए दाने, कौन करेगा पता नहीं, बट चोरी हो गए, किसका लॉस? बायर का. क्यों? ओनरशिप बायर की थी. क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, एनी वन? ये पार्ट क्लियर है? यू वॉन्ट टू राइट दिस? लिख लिया? लिख लिया? श्योर, लिखना, लिखो जल्दी से. कहाँ थे कल? अभी मस्त. खाली बचे और खत्म कर, खत्म कर. क्या भाई ऋतिक, हो गया? चश्मा बड़ा मस्त है यार तेरा. डन एवरीवन.
हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया कॉस्ट कौन बेयर करता है दोनों में से। अच्छा, ये भी बता दिया, प्लेस अगर आपने चेंज की तो वो उसका रिस्क और कॉस्ट दोनों किसकी होती है? बायर की। क्लियर है सबको? सो डिलीवरी क्लेम करने का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर? कॉस्ट कौन बेयर करेगा? बायर। लोकेशन चेंज किया, रिस्क किसका है? आगे देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। अब ये बहुत इजी इजी से पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ बहुत दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं। कोई ऐसा जिसको सोगा टफ लग रहा है? सेलो गुजैक टफ लग रहा है? एनीवन? श्योर? ठीक। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, कोई चीज नहीं समझे बिल्कुल बिंदास बोल देना, है ना? कभी ऐसा भी है कुछ टॉपिक मुझे रिपीट करना है, जो रिविजन विजन वाला पार्ट है वो मैराथन वो सब मैं अपन लोग करेंगे ही मे में एनी वे, है ना? एग्जाम के पहले सब कुछ रहेगा, बट उसके पहले भी जब आप टेस्ट देते हैं कोई कॉन्सेप्ट कहीं कुछ अटक रहे हो बिल्कुल बिंदास, है ना? बट आई नीड स्कोर, है ना? मार्क्स चाहिए ही चाहिए, नहीं आना इस बार तो लटका दूंगा दो चार को मैं, है ना? तो जो करो, जियो मरो खाओ पियो कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को रिजल्ट चाहिए इस बार, है ना? हाँ जी, लास्ट टाइम इट वॉज 94, उसके पहले अटेम्प्ट इट वॉज 96, लॉ का हाइएस्ट है, 100 वाला आज तक नहीं आया, है जिसकी भी 100 है ना, आपकी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों की कॉस्ट पूरी मेरे ऊपर 100%, 100 में 100। लेकिन हाँ, 98.8 कंसिडर भी नहीं कर, थू 98 वाला। तो 100 में से 100 है, तो पूरा आपका एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल 100% खर्चे है मेरे, पूरी दोनों लेवल्स फ्री है पक्का। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक्सेप्टेंस ऑफ, सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूँ, हाँ, नहीं तुम मैनेजमेंट मैनेजमेंट में ले आओगे तो डूएबल है ना? 96 है आज तक, मैंने ऐसे 98 भी आई डाउन, मतलब ऐसे याद स्पेसिफिकली याद नहीं मेरे को किसी का। 98, 96 इज व्हाट आई रिमेम्बर, 98, 100, 100 वाला तो कोई भी नहीं आज तक। अकाउंट्स में है, अकाउंट्स में, अकाउंट्स में ही है, बाकी तो मैंने अभी इसमें तो नहीं देखा किसी में भी। सो दोनों हैं एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल पूरा 100%, रहने खाने का खर्चा भी ले लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, नाउ व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स? हाँ, सिर्फ बट बाकी तीन में पास होना है अपने को, हाँ, नहीं तो तुम तीन में फेल हो जाओ और एक में तुम 100 ले आओ तो किसी काम के नहीं है ना, तो बाकी तीन में एटलीस्ट पास हो जाना। तो 40 40 40 भी लाओगे तो 220 हो जाएगा, है ना? 100 इसके और 120 उसके, बट ऐसी दरिंदगी बिल्कुल मत करना, है ना? मतलब उससे बेटर एक फेयर एवरेज हो कि इन एवरी स्कोर यू डन एवरेजली गुड, राइट? वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, है ना? वो वैसा भी नहीं करना चाहिए अपने को, और दूसरा वो मास्टर ऑफ वन वैसा तो बिल्कुल, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स कभी भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके का आपका प्रोफेशन है गलती से भी मत करना, एक सब्जेक्ट अपने को इतने अच्छे से आता है और बाकी के फंडे ही हिले हुए, कभी मतलब एक पॉइंट के बाद ऊपर पहुंच ही नहीं पाओगे। सो इट्स ऑलवेज गुड व्हेन यू आर देयर इन एवरेज, यू नो। और मेरे तो हमेशा से पहले भी प्रेफरेंस मेरी यही रही है, एक रैंक या 10 पास, 10 पास, फिर वो एक रैंक नहीं चाहिए। तो बिकॉज ज़्यादा आपका हैप्पीनेस इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो मेरे को तो वही बेटर लगता है। बट हाँ, 10 पास और 10 रैंक तो डेफिनेटली 10 रैंक, बट इट्स गुड इफ यू नो इफ देयर इज अ डाइवर्सिटी, राइट? उस टर्म्स में मतलब सारे लोग पास हो जाए ऐसा तो खुशी की बात ही नहीं है, एक भी रैंक नहीं आया तो भी चलता है, लेकिन सारे लोग नेक्स्ट लेवल पे चाहिए, वो एक अलग बात है। हाँ जी, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। अच्छा, कब हम लोग मानते हैं कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया? चेक कर लो, फर्स्ट इंटीमेट्स टू द सेलर, बिल्कुल बच्चों वाले पॉइंट्स, अभी आपको ऐसा लगेगा कि साला कॉमन सेंस भी फीका पड़ जाए इनके आगे। तो इंटीमेशन टू द सेलर, आपने सेलर को बोल दिया कि भाई मैंने गुड्स रख ली। अच्छा, जैसे शॉप पे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, राइट? कुछ भी कोई प्रोडक्ट खरीदने गए आप, तो इमीडिएटली आप उसको पैसे देते हो और आप जो भी आपने को खरीदना है, राइट, वो आपने इमीडिएटली लिया और आपने उसको पैसे दे दिया, इंटीमेशन वहीं के वहीं हैंड टू हैंड। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने ऑब्वियस ट्रांजेक्शन हो गए। आप किसी किराने की शॉप पे गए और आपने उसको बोला कि ला भाई मेरे को वो क्या खा रहे है तू, पीनट्स, तो उसने बोला मेरे को एक हल्दीराम का पैकेट दे दो पीनट्स का, तो इसने वो 5 रुपये, 5 रुपये वाले, 10 वाले, 10 रुपये दिए और इसने वो एक पैकेट लिया। अच्छा, अब उसके बाद ऐसा बोलता है क्या, मैंने रख लिए? अच्छा,
फिर वो भी बोले हाँ मैंने भी 10 रुपये रख लिए, है ना। अच्छा तो आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा आई यू ड्यूटी बाउंड, नो। आई यू ड्यूटी बाउंड, नो। दोनों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन, ये करते हो क्या इतनी फॉर्मेलिटी, जरूरत नहीं। तो ये इतना पार्ट ऑफ रूटीन है ना कि आपको ऐसा कभी एक्सेप्शनली ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तूने रख लिया, अरे वाह मैंने रख लिया, लेट्स शेक हैंड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, सो नाइस टू हियर, जरूरत ही नहीं है। तो इंटीमेशन टू द सेलर, जहाँ पे आपने सेलर को इन्फॉर्म कर दिया फर्स्ट। अच्छा जो इंटीमेशन है ना, इट कुड बी एक्सप्रेस, इट कुड बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस बोला डन, ये एक्सप्रेस। इम्प्लाइड लिया और चलते बने, इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, राइट। आपको पता नहीं क्यों मैंने रख लिया, सीधे चला गया, अरे चोरी करके भाग रहा है, चोरी पैसे दिए ना मैंने तेरे को, तो चोरी वाली बात ही नहीं आती। तो अगेन ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेकेंड, रिटेन्स द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम। अच्छा जब भी सैम्पलिंग होती है ना, उसमें ये सब चीज़ें बहुत चलती है। अब जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना, कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कहाँ ये अपनी नेपाली, ये लोगों को कुछ अलग टाइप का दुख है दोनों का, ये पता नहीं क्या करते हैं। पूरे लेक्चर में मैं देखता हूँ से 5 बार ये दे डू दैट, व्हाट इज दैट, क्या होता है वो गोल गोल जो इधर लगाते हो, बैंड, यस, वो निकालते हैं, फिर बाल ऐसे करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर थोड़ी देर ऐसे पढ़ते रहते हैं, फिर वापस से थोड़ी देर बाद ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, हाँ ये तो 25-30 बार कर लेती है। तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है ये ऐसे कुछ अलग रहता है क्या हर बार, तू करता है क्या ऐसा प्रथमेश, कभी कभी अपने जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हाँ और इसके भी एकदम मेरे जैसे ही बाल है, इसके थोड़े ज़्यादा है, बट मेरे जैसे मतलब तूफान भी आ जाना तो 2 बाल इधर के इधर ना हो, तो इतना दैट स्टेबिलिटी इन लाइफ यू नो, जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब भगवान जा रहे हैं, कहाँ है प्रीतम, हाँ वो अलग है जुल्फों वाला यार, हाँ ना क्या बाल है प्रीतम के तो मस्त ना, हाँ ना मतलब 2-3 सांप उसके बाल में रह सकते हैं, दे कैन लिटरली मेक देयर हाउस। हाँ तो अब नेपाली के अपन बात करते हैं, एक नया तेल आता है मार्केट में, तेल में क्यों हंस रहे थे, अभी इंग्लिश में बोलता ना तो तुमको हंसी नहीं आती, हिंदी में बोला तो तुमको हंसी आती, साला अजीब टाइप की दिक्कत है। अच्छा ये एक ऐसा तेल है जो आपके बाल चिपका के रखता है ना, बिल्कुल बाल हिलने नहीं देता, जहाँ पर है बाल सुबह का गारंटी देता है कि वहीं के वहीं तक रहेगा रात तक। हाँ कैसे काम, तेल है अपने लिए इम्पोर्टेंट, क्या है तेल है, और ताल इस तेल की खासियत क्या है, तेल तेल खासियत क्या है इस तेल की, हाँ बाल जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे ना, बाल हिलेंगे नहीं दिन भर। हाँ अच्छा ए ये इमेजिन करते लोग यार ऐसे, डोंट इमेजिन। हाँ सुनो अब देखो जरा इधर क्या हो रहा है, तो नेपाली बोलते हैं ऐसे कैसे होगा, ऐसे कोई तेल नहीं बना दुनिया में जो मेरे बाल वहीं के वहीं रख सकता है, मेरे बाल तो पहले भी नाचते थे, आज भी नाचते हैं और तेल के बाद भी नाचेंगे। तो बोलता है मैडम लेके जाओ आप यूज़ करो 7 दिन, अगर 7 दिन तक आपके बाल ना नाचें उसके बाद आप मेरे को पैसे दे देना, है ना। तो नेपाली ने क्या किया, वो तेल लेके गई, 2 दिन इसने तेल लगाया और 2 दिन इसने फुल फोकस फुल कंसंट्रेशन के साथ लॉ की पढ़ाई की, क्यों बाल हिले ही नहीं, वहीं के वहीं थे, वहीं के वहीं थे, है ना। सो कितने दिन का टाइम दिया, 7 दिन का, नेपाली बड़ी स्मार्ट, पैसे तो नहीं देगी पहले से, 7 दिन का टाइम दिया, 10 दिन हो गए, कितने दिन हो गए 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा अगर गुड्स रिटर्न करने थे तो रिटर्नेबल बेसिस का टाइम कितना था, 7 दिन, 10 दिन निकल गए, तो जो सेलर है वो प्रिज्यूम कर सकता है क्या कि बायर ने गुड्स रख लिया, कर सकता है, सेम चीज, रिटेन्स द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम, जो टाइम पीरियड दिया उसके बाद अगर गुड्स आपने रिटर्न नहीं किए तो सेलर प्रिज्यूम कर सकता है कि इट्स अ डीम्ड इंटीमेशन कि भाई आपने गुड्स रख लिया। जी मैम पैसे देना पड़ेंगे ना, जी गई नहीं तो वो आ जाएगा ना। नेपाली नेपाल में थोड़ी ना रहते ना, रहते तो भारत में ही। तुम मेरे को बदनाम कर दोगे इस दिन भरवाओगे, सर हंसते वैसे जानवरों जैसे ना बिल्कुल, साला 4 क्लास वालों को पता चल जाए। हाँ सुनो मैम पैसे का कंसर्न नहीं अपना, अपन यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब सेल कंप्लीट हो जाए, है
पैसे वो देगा आपको, और आप ईमानदार, आप पैसे दोगे ना उसको? नहीं दोगे? ओके आगे देखो, थर्ड, डज एनी एक्ट ऑन द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर? वट इज दिस इनकंसिस्टेंसी? अच्छा, सेम केस समझना। अब जैसे नेपाली के पास कितने टाइम तक ये तेल था फ्री में? 7 दिन तक, 7 दिन के लिए इनके पास था। तो नेपाली क्लास आती है, मिस आर कौन है आप जानते हो? कोई भी नहीं जानता। ओह माय गॉड, सच अ कोइंसिडेंस। हाँ, सो मिस आर आती है नेपाली के पास और बोलती है कि यार तेरे बाल तो बड़े मस्त हो गए, चिपके हुए हैं, हिल ही नहीं रहे तेरे बाल, ऐसा कैसे हो गया? तो उसने बोला कि मेरे पास एक वरदानी तेल है, वो तेल अगर तू भी लगाएगी ना तो तेरे भी बाल नहीं हिलेंगे कल से। तो वो बोलती कि दिखा दिखा कौन सा तेल है। अच्छा, अभी तेल की टोटल कीमत 11 रुपये। कितनी? 11 रुपये में लीटर भर आ गया, बिल्कुल आप साल भर लगाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, 11 रुपये लीटर का तेल। तो मिस आर पूछती कि ऐसा कौन सा वरदानी तेल है जो मेरे बाल चिपका के रख सकता है, मेरे को बता दो। तो बोली यार वो तो तेरे को परचेस करना पड़ेगा, मैंने बहुत महंगे रेट में खरीदा है। अच्छा, तो ये क्या करती है, नेपाली मिस आर को सेम तेल 100 रुपये में बेच देती है। कितने में बेच देती है? 100 रुपये में। था तेल कितने का? 11 रुपये का। अब आ गए इनके पास 100 रुपये, है ना? तो 100 रुपये में से ये क्या करती है, जो डिफरेंस अमाउंट, अच्छा अब पहला इसको यहाँ पे एक पार्ट समझना है इसमें। जब नेपाली ने तेल मिस आर को बेचा, मिस आर को आप जानते हैं? मैं भी नहीं जानता। तो जब उन्होंने मिस आर को ये तेल बेचा, सेलर जो ओरिजिनल सेलर है वो तेल वाला, वो प्रिज्यूम कर सकता है क्या कि उसके बीच में और नेपाली का जो सेल ट्रांजैक्शन था वो कंप्लीट है? ये सेलर, इसने सैंपल बेसिस पे गुड्स किसको दिए? नेपाली। नेपाली ने मिस आर को तेल बेच दिया, है ना, सेल ही कर दिया। तो यहां पर ये सेलर ये प्रिज्यूम कर सकता है क्या कि नेपाली ने वो तेल खरीदा है? जब तक वो खरीदेगी नहीं तब तक वो बेच सकती है क्या? नहीं। तो जब उसने मिस आर को वो तेल बेच, आप ये प्रिज्यूम कर सकते हो कि इनके बीच का जो सेल ट्रांजैक्शन था वो कंप्लीट है। आ रहे समझ में? तो डज समथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट विथ द एक्ट ऑफ सेल, अगर आप ऑलरेडी वो गुड्स किसी और को सेल कर चुके हो तो जो ओरिजिनल सेलर था वो ये प्रिज्यूम कर सकता है कि नेपाली ने, मतलब बायर जो है, फर्स्ट बायर जो है, उसने वो गुड्स परचेस किए हैं, तभी आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी लॉफुल ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, पैसे का जो लेन देन है वो आप आपके बीच में निपटा लेना। 100 रुपये मिले, 100 में से सेलर को कितने देने? 11 रुपये देने, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, है ना, बात खत्म। बाकी 89 का क्या होगा, डेयरी मिल्क सिल्क लेके खाली उन्होंने, है ना, उससे अपना कोई लेना देना नहीं, उससे सेल ट्रांजैक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। इंपैक्ट किससे आएगा? जो प्रोविजन है वो क्या है कि जब आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, अगर आपने ऐसी कोई एक्ट किया है, कोई एक्टिविटी की है, तो सेलर ये प्रिज्यूम कर सकता है कि आपने वो गुड्स खरीद लिए, मतलब वो सेल ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली, कौन सा सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, इन दोनों के बीच का जो सेल ट्रांजैक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, एनीवन? क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट डिलीवरी? हाँ, डिलीवरी इन पार्ट्स एंड पीसेस इज इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। तो कहाँ है अपने ये, अथर्व नाम है ना भाई अपना, अथर्व, अथर्व की हाइट कितनी है? 6 फीट का है क्या? वेरी नाइस, सो अथर्व इज 6 फीट। अब अथर्व को किसी ने बोला कि भाई अगर तू चाहता है तेरी हाइट मेंटेन रहे तो तू रोज एक केला खा। फिर अथर्व, इसमें क्या दिक्कत है, आप नहीं खाते? यू शुड ईट वन बनाना एवरी डे, इट्स वेरी हेल्दी, मॉर्निंग यू शुड, हाँ एप्पल तो खाना ही चाहिए बट केला भी खाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आई ईट एवरी डे। हाँ, सो क्या बोला अथर्व को कि एक केला रोज खाना है इसको, है ना। अच्छा अच्छा, अब ये क्या होता है, ये एक सब्जी वाले के यहाँ जाता है, परम, परम केले वाला, परम केले वाला, तो परम के पास जाता है भाई, वो बोलता है अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो रोज मेरे को एक केला देना, कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो 5 रुपए का परम रोज एक केला लाके किसको देता है? अथर्व को देता है। महीनों दो महीनों से ट्रांजैक्शन चल रहा है, फिर एक दिन ऐसा आता है जब परम के पास केले खत्म हो जाते हैं, है ना, नो फ्रेश स्टॉक, नहीं आ रहा मार्केट में, क्या करोगे, स्टॉक खत्म हो गया, उसमें क्या, हाँ, सो उसके पास सब केले खत्म हो गए। तो बोलता है कि यार मैं तेरे को पूरा केला तो नहीं दे सकता हूँ, मैं तेरे को एक एक पीस दूंगा रोज, है ना, एक केले के 5 पीस, आज एक ले, कल एक ले,
परसों एक ले और नरसों एक ले, और ऐसे करके रोज एक एक पीस केले का ले। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अथर्व क्या करेगा? अथर्व क्या करेगा बोलो जल्दी से। हाँ पैसे भी, अरे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है अपने को, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है अपने को, केले का क्या करना है वो मैटर है। यस क्या करेंगे? हाँ अब देखो दो चीजें, पहला एक तो या अथर्वी ये बोल दे कि भाई यार ये मेरे को एक एक टुकड़ा तो नहीं चलेगा, इतना तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ खाया और कहाँ गया, तो अगर तू दे रहा है तो पूरा केला दे, नहीं तो कुछ भी मत दे, एक तरीका। सेकंड ये बोलेगा कि मार्केट में और कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो जो आया सो पाया, जितना तूने दिया इतना मैं खा के खुश हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों ऑप्शन है, आ रहे सबको समझ? तो ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी मतलब कंप्लीट गुड्स आपने एक साथ नहीं लिया, उसको पार्ट्स एंड पीसेज में लिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है कौन डिसाइड करेगा? बायर। कौन डिसाइड करता है? बायर। अगर उसको चलती है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर उसको बोला मेरे को इंस्टॉलमेंट, मेरे को पूरा केला एक साथ ही चाहिए, मेरे को टुकड़े टुकड़े चाहिए ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, सिंपल। आ रहे समझ में? तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में वैलिड है? हाँ वेन इट इज सैटिस्फाइड बाय द बायर, जहां पर बायर ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो प्राइमरी रूल ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। क्यों? क्योंकि आप टर्म्स ही ब्रीच कर रहे हो ना। उसने कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किया था? एक केले का, मिला क्या? एक पीस था क्या ये कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। अच्छा वो बोलता मेरे को एक पीस भी चलेगा, तो किसने रेटिफाई किया उस चीज को? बायर ने। तो अगर बायर बोलता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? Not well? You need some glucose? No? Hot water? Very tasty. No? So, not well, na? मैं उनकी बात कर रहा था, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक हो ना? कुछ चाहिए ऐसा कुछ खाने पीने? नो? बगापुड़े। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, सूट आगे सुनो क्या लिखा है। देखो सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सूट? केस फाइल करना। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ब्रीच? ब्रेक करना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन ब्रेक की तो केस कौन फाइल कर सकता है? इस सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा दो पार्टीज होती सेल ट्रांजेक्शन में। अबे तेरे से दाने खत्म नहीं हुए अभी तक? हाँ नहीं, कितने बज गए? हाँ तो खाना। हाँ ना इतना छह पीट का शरीर है, छह दाने नहीं खवा रहे तेरे से, खा। देखा पानी वानी अभी कहां से निकलेगा पानी, तेरे को आइडिया भी नहीं। अरे आकर एक झपड़ मारूंगा, आकर हाँ ले पूरे एक साथ खत्म कर। शर्मा शर्मा के लड़के देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, उड़ा सब एक साथ। खत्म ही नहीं हो रहा ना, अल्लाह मैं खत्म करता हूँ, देख हाथ दे। पानी मरेगा नहीं, कुछ नहीं होता है, चार दाने साले प्रोटीन खाने में शर्मा, आकर खा 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 एक बार खत्म कर साले। पढ़ाई करो। हाँ सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, कौन कौन सी? एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर का क्या ऑब्लिगेशन सेल कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ वेरी गुड, गुड्स डिलीवर करना। बायर क्या क्या ऑब्लिगेशन सेल कॉन्ट्रैक्ट में? ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूँ, राइट? नहीं, पैसा देना, कंसेशन, पैसे देगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर सेलर ने अगर गुड्स नहीं दिए, कैन द बायर सू? कैन द बायर सू? बायर ने अगर सेलर को पैसा नहीं दिया, कैन द सेलर सू? तो हु ऑल कैन सू? पार्टीज टू द अदर पार्टी, जिसने डिफॉल्ट किया उसको सू करोगे। सो पहला पार्टीज। अच्छा उन्होंने किसी को अथॉरिटी दी, मतलब कोई ऑथोराइज्ड पर्सन,
तो ऑथराइज पर्सन सू कर सकता है, अलाउड। किसी एजेंट को बोला कि मैं नहीं तू सू कर, तो एजेंट भी कर सकता है। हंसते बहुत हो तुम। डेथ हो गई, डेथ अत्यंत दुख के साथ ये सूचित करने में आता है कि, तो लीगल एड्स कर सकते हैं बस, पर गांव का नाम थोड़ी नहीं लिखना। ये किसके, दोनों पार्टीज के, दोनों पार्टीज में कौन कौन है, जिसने डिफॉल्ट किया। क्लियर है सबको? अच्छा, यहां पे ये दिया हुआ है ना कि कौन सी पार्टी कब सीयू कर सकती है। अच्छा एक बात बताओ, सेलर कब सीयू करेगा? बायर ने पैसा नहीं दिया, बायर कब सीयू करेगा? आगे चेक करना, अनपेड सेलर। नाउ हु इज, एक काम करो यार आप ना, मैं अनपेड सेलर आपको कल बता, नहीं नहीं बस बस क्या, पेज पलटो, शट अप। अरे यार कल आप आ नहीं रहे हो ना, अच्छा इसके बाद आप आए, ओके ओके ओके, नहीं ऑक्शन सेल निकालो, ऑक्शन सेल, टेन पॉइंट टू थ्री, वो अभी क्या है बीच में रह जाएगा अनपेड सेल। देखो इधर ऑक्शन सेल, चलो चलो सुनो जरा, व्हाट इज ऑक्शन सेल, पब्लिक सेल है ना, ऑक्शन सेल क्या होता है, पब्लिक सेल, नीलामी इज ऑक्शन सेल है ना। सो यहां पर सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स, तो गुड्स आप क्या करते हैं, पब्लिकली ऑक्शन करते हैं। पब्लिकली ऑक्शन करने का क्या मतलब होता है, आप सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और बिड्स मंगवाते हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपने को ब्रैडली की टी शर्ट बेचनी है ना, ब्रैडली की अपने को दो डोरी वाली टी शर्ट बेचनी है, तो अब यहां पर अपने किसको खड़ा किया, मोहित को खड़ा किया आगे। मोहित ने क्या किया, ब्रैडली की टी शर्ट ली और डिस्प्ले की ऐसे करके सबको दिखाई, है ना। तो यहां पर ये टी शर्ट, अच्छा किसकी टी शर्ट है, ब्रैडली की, तो ब्रैडली इज द ओनर, उसके बिहाफ पे गुड्स कौन सेल कर रहा है, मोहित। सो मोहित बिकम्स एन एजेंट, ब्रैडली कौन है, ओनर, सब्जेक्ट मैटर क्या है, टी शर्ट, है ना। अच्छा आप सब लोग आए यहां पर, है ना, जब बिड होती है तो बिड में आपको रेट बढ़ाना होता है, कम नहीं करना होता है ना, बिड में रेट बढ़ाते कम नहीं करेंगे, है ना। सो ब्रैडली ने बोला कि भाई इस टी शर्ट का मेरे को कम से कम ₹50 चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, ₹50, क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से इस एसेट की जो डिप्रिशिएटेड वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो कम से कम ₹50। तो उसने क्या किया, मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, उसको हम बोलते हैं रिजर्व प्राइस, क्या बोलते हैं, रिजर्व प्राइस, कितना फिक्स किया, ₹50। अब यहां पर मोहित ने क्या किया, ऑक्शन सेल स्टार्ट किया। अच्छा ऑक्शन सेल इसने स्टार्ट किया ₹20 से, कितने रुपीज से, 20, रिजर्व प्राइस कितना है, 50। रिजर्व प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर ऑक्शन ₹50 के नीचे क्लोज हो गया, अगर ऑक्शन ₹50 के नीचे क्लोज हो गया तो ऑक्शनर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू सेल, ऑक्शनर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू सेल। तो रिजर्व प्राइस क्या होता है, मिनिमम प्राइस जिस पे ऑक्शन बिड क्लोज होगी, उसके नीचे ऑक्शन बिड अगर क्लोज हो गई तो ऑक्शन आपको, मतलब ऑक्शनियर को ये गुड्स सेल करने का राइट ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट। अच्छा मोहित को मैं ऑक्शनियर बोल सकता हूं, सो मोहित खड़ा हो गया हथौड़ा लेके, सब लोगों ने बिडिंग स्टार्ट की, ₹20, ₹21, ₹25, ₹30, ₹40। अब ₹40 के ऊपर बिडिंग नहीं आ रही है, उसने ऑक्शन क्लोज कर दिया, इज द ऑक्शनियर ऑब्लिगेटेड टू सेल, नो, क्यों, रिजर्व प्राइस के नीचे, समझ में आ रहा है। अच्छा ऑक्शन क्लोज हुआ ₹51 पे, इज द बिट वैलिड, यस। जैसे ही ₹51 आता है, उसके ऊपर कोई रेट देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मोहित ने क्या किया, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, वन टू थ्री, तीन हैमर, हैमर हथौड़ा, पहला दूसरा तीसरा, जैसे ही तीसरा हथौड़ा मारा, इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दैट द गुड्स आर सोल्ड। तो इन केस ऑफ ऑक्शन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होता है, मतलब किसको हम लोग एक्सेप्टेंस मानते हैं, एक्सेप्टेंस मानते हैं फॉल ऑफ हैमर। तो जैसे ही आपने हैमर गिराया,
थर्ड टाइम ऑटोमेटिकली आपका ऑक्शन कंप्लीट। समझ में आ रहा है सबको? ब्रैडली कौन है इसमें? ओनर। मोहित कौन है? एजेंट, ऑक्शनियर है ना। और बाकी जितने भी लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं दे ऑल आर कॉल्ड बिडर्स, जो लोग बिड करते हैं। क्या होता है आप इसको ना ऐसे समझना, जैसे अगर आप मिनिमम 50 रुपीज से भी स्टार्ट करोगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है जब प्राइस ज्यादा होता है ना तो पीपल आर डीमोटिवेटेड, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा है। अच्छा फिर क्या होगा, ये हर बार का होता है और ये ऑक्शन में यूजली लोग यही करते हैं, कम प्राइस से स्टार्ट करते हैं। कम प्राइस से स्टार्ट करने का फायदा क्या होता है, जब एक एलिमेंट आता है ना 20 25 30 35 40, तो क्या होता है ना एक मोमेंटम बनता है, और जब मोमेंटम बनता है ना तो पीपल बिड हायर एंड हायर। तो बस उस चीज़ को पुश करने के लिए लोग कम प्राइस से हमेशा स्टार्ट करते हैं। आप जैनी है ना, आपने बोलियाँ देखी होगी मंदिर में, बोलियाँ लगती है मंदिर में, वो आरती की बोली, चढ़ावे की बोली, भगवान के पहले दर्शन करने की बोली, मंदिर का द्वार खोलने की बोली, टिक्का लगाने की बोली, सबकी बोली रहती है ना। तो उसमें आप देखना बिल्कुल बेस प्राइस से स्टार्ट होता है ना। वो बड़े मंदिर राजस्थान वगैरह में आप देखना, बॉम्बे में आप देखना, आई हैव सीन पीपल बिडिंग फॉर 4 करोड़ एंड 5 करोड़ एंड 10 करोड़। जैन मंदिर को हिसाब किताब ही नहीं, मतलब वहाँ कैलकुलेशन करो ना तो आप सब ठंडे पड़ जाओगे। तो पीपल बिड फॉर इट। अब मंदिर का द्वार खोलने की बोली 5 करोड़ रुपये, भगवान को पहला चढ़ावा चढ़ाने की बोली 5 करोड़ रुपये, महावीर स्वामी के स्वप्न, बाप रे बाप, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मेरे को तो ऐसा मैं दिल पसीज जाता है, मतलब इतना पैसा आता कहाँ से लोगों के पास। अब 2 मिनट बाद मंदिर में गए, फर्स्ट नहीं गए सेकंड गए, भगवान को बुरा लगेगा नहीं। तो पहली बार देखने में और सेकंड टाइम देखने में मेरे को नहीं पता क्या डिफरेंस है, बट लोगों की आस्था है, सबका अपना अपना तरीका है धर्म में प्रचार और अपना बिलीफ रखने का, अब वो चलती उसकी बोलियाँ इतनी। अब इसमें क्या है, अब जैसे जब स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि पिछले 10 सालों से 15 सालों से बोलियाँ जा रही 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की, तो ऐसा नहीं कि वो 1 करोड़ से स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट किससे करते हैं, 10,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं। क्यों? एलिमेंट आता है, मोमेंटम बता है, धीरे 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 बोली आप। तो ये हमेशा अच्छा, इसमें एक फायदा क्या होता है, वो भगवान वाला पार्ट साइड में रखना, उसको अब इससे कनेक्ट मत करना क्योंकि उधर कोई रिजर्व प्राइस नहीं होता। यहाँ पर रिजर्व प्राइस आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, तो अगर मान लो उसके नीचे भी क्लोज हो गया तो कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं आपके ऊपर बेचने का। तो एटलीस्ट जो ऑक्शनर है वो तो सेफ ही है ना, जो ओनर है वो भी सेफ है। तो बस वो कम प्राइस से क्यों स्टार्ट करते हैं ना, ताकि एक एलिमेंट आता है और धीरे धीरे लोग बिड्स बढ़ाते हैं जी। इन्फॉर्म करते हैं पहले से, जब ऑक्शन स्टार्ट होता है ना उसके पहले आप इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा अब सी यहां पर समझना, व्हाट इज ऑफर व्हाट इज एक्सेप्टेंस। जो बिडर्स बिड करते हैं दैट इज ऑफर, है ना, जो बिडर्स बिड करते हैं वो क्या ऑफर है। यहां पर एक्सेप्टेंस इंप्लाइड है, कौन सा एक्सेप्टेंस है, इंप्लाइड है। आप बोलते नहीं हो ऑक्शन क्लोज प्रॉपर्टी तेरी, बोलने की जरूरत नहीं, फॉल ऑफ हैमर 1 2 3, जहां थर्ड गिरा इंप्लाइड, इट इज कंसिडर्ड एज एन इंप्लाइड एक्सेप्टेंस की प्रॉपर्टी आपकी। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? श्योर। तो ये एक्सेप्टेंस है, बिड जो आप करते हैं, जो बिडर्स बिड करते हैं, है ना, मतलब जो बोलियां लगाते हैं वो सब क्या होते हैं ऑफर। और जो इसका पेपर में एड आता है ना कि इस दिन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ऑक्शन है, वो है इनविटेशन टू एन ऑफर। वो क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर, जहां बिडर्स को इनवाइट करते हैं कि आप और बिड में पार्टिसिपेट करो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनविटेशन टू एन ऑफर। ठीक है, ऑफर क्या है, बिड्स, एक्सेप्टेंस क्या है, फॉल ऑफ हैमर, उसको एक्सेप्टेंस मानते हैं। कोई कंफ्यूजन एनीवन? रिजर्व प्राइस फिर किसी भी प्राइस पे क्लोज हो सकता है, जरूरी नहीं है रिजर्व प्राइस रखना, ऑप्शन है, बट आप यूजली करते हैं एटलीस्ट अपना राइट सिक्योर करने के लिए। क्लियर है? सर कब आएंगे, है ना टाइम, आ जाएंगे? चलिए अच्छा, अब मेरे हिसाब से ना ये 20-25 मिनट के टॉपिक्स हो रहे हैं आपके, दो टॉपिक्स मुझे आपको और पढ़ाने, अनपेड सेलर और ये FOB FOR कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, छोटे छोटे सेक्शंस है दो 20-25 मिनट का, सो हॉफ मतलब कल आपका ये सेल ऑफ गुड्स कंप्लीट हो जाएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद।